हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना जो टॉपिक है वो है डेमोस्ट्रेशन और डेमोस्ट्रेशन टॉपिक अपना लगभग हो गया है इसमें स्टेप अपने देख लिए हैं करेक्टरिस्टिक्स अपने देख लिए हैं पर्पज जो है वो भी इंट्रोडक्शन है ना लगभग टॉपिक हो गया है तो अपन लास्ट में अपन देखेंगे एडवांटेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो डेमोस्ट्रेशन है इसके मेरिट्स कह सकते हैं या एडवांटेज कह सकते हैं या डीमेरिट्स है ना या डी डिसएडवांटेज अपन कह सकते हैं मतलब जो डेमोस्ट्रेशन टीचिंग का जो मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है अगर ये अपन डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कोई भी टॉपिक को है उसको टीचिंग करवा रहे हैं टीच करवा रहे हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे मतलब इसके फायदे क्या हो सकते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है कि नॉर्मली अपन कोई भी टीचिंग का मेथड यूज में ले रहे हैं है ना और लगभग जो टीचर यूज में लेते हैं डिमोस्ट्रेशन ठीक है इसके ये नहीं टीचिंग के जितने मेथड हैं सभी ए, मतलब सभी के एडवांटेज ही हैं डिसएडवांटेज नहीं है नहीं कुछ अगर कुछ भी अपन करेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है ना दो पॉइंट जो अपन कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसका जो एड, रिजल्ट जो होता है ठीक है उसके नुकसान भी हो सकते हैं और फायदे भी हो सकते हैं ठीक है तो इसमें पहले अपन देखेंगे एडवांटेज जो डेमोस्ट्रेशन है इसके एडवांटेज क्या होंगे ठीक है <coughs> तो फर्स्ट एडवांटेज है इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब ये स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डेमोस्ट्रेशन क्या करता है एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की है ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब लर्निंग की तो अपॉर्चुनिटी कर ही रहा है साथ में ऑब्जर्वेशन मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है जब अपन डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे है ना तो वो ऑब्जर्व करेगा देखेगा है ना खुद फील करेगा खुद प्रैक्टिस करेगा उस पर है ना तो वो कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डेमोन्स्ट्रेशन एक तो ये इसका एडवांटेज होगा या मेरिट्स कह सकते हैं नेक्स्ट एडवांटेज अपन देखेंगे इट अडेप्टेबल टू बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल टीचिंग्स मतलब डेमोस्ट्रेशन जो है वो ग्रुप एंड इंडिविजुअल टीचिंग के लिए अपन कंडक्ट कर सकते हैं नॉर्मली अपन कर सकते हैं मीन्स मतलब दोनों ग्रुप के लिए अडेप्टेबल है सॉरी दोनों के लिए ग्रुप के लिए और इंडिविजुअल के मतलब सिंगल स्टूडेंट हो उसको भी अपन डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचिंग करवा सकते हैं और ग्रुप को ग्रुप को भी अपन क्या कर सकते हैं ग्रुप के लिए भी ये अडेप्टेबल है डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है लेकिन इसमें यह चीज आपको ध्यान रखना है ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए स्मॉल ग्रुप होना चाहिए है ना लार्ज ग्रुप है उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल के लिए क्या है अडेप्टेबल है ये भी इसके एडवांटेज हो गए नेक्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प ए स्टूडेंट इन हैविंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक मतलब ये स्टूडेंट की हेल्प करता है किसमें मतलब जो कोई भी जो टॉपिक है उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए डीपली मतलब जो स्टूडेंट है उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है डेमोस्ट्रेशन के थ्रू जैसे ये तो आपको भी पता है नॉर्मली जैसे अपन कोई भी टॉपिक है वो आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया ठीक है? तो है क्लास में एक्सप्लेन कर दिया तो शायद उसका जो आपको समझ में आया थोड़ा बहुत समझ में आया जैसे अपन मान सकते हैं उसका थर्टी परसेंट आपको क्लियर हो गया टीपीआर जो है क्लास में एक्सप्लेन कर दिया तो आपको थर्टी परसेंट जो है वो क्लियर हो गया ठीक है देन अगर वही चीज वही जो टॉपिक जो है अगर आपको लैब में टीपीआर जो है वो बेड पे है ना या डमी के साथ एक्सपेरिमेंट करें या डेमोस्ट्रेशन के थ्रू उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें या टीचिंग करवाएं <coughs> तो आपका जो टॉपिक जो है स्टूडेंट जो ग्रुप बनाए है ना और वहां पे क्लियर करें तो वो मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट उसको कह सकते हैं डीपली वो समझ सकता है और उस टाइम उसको सेवेंटी परसेंट वो क्लियर हो जाता है देन उसके बाद वो खुद उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करेगा खुद टीपीआर जो है टेम्परेचर खुद असेस करेगा खुद ऑब्जर्व करेगा है ना खुद टेम्परेचर लेगा टीपीआर टेम्परेचर पल्स खुद अगर असेस करेगा तो वो फिर उसका हंड्रेड वो क्लियर हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इट हेल्प स्टूडेंट रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब ये स्टूडेंट को क्या करता है एक्टिव वे में मतलब एक्टिव या कह सकते हैं एक्टिव कंडीशन में उसको एक, रखता है ठीक है जैसे टीचिंग सॉरी लेक्चर जो मेथड है है ना उसमें क्या होता है स्टूडेंट जो वो पैसिव कंडीशन में होते हैं लेकिन ये डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि भी एक टीचर का ही रोल होता है कि स्टूडेंट को वो एक्टिव कंडीशन में रखे और स्टूडेंट रहेगा भी क्योंकि उसके सामने मतलब जो इक्विपमेंट वगैरह वो सामने रखे वो सोचेगा कि हाँ ये इक्विपमेंट कैसे कैसे ये वर्किंग कैसे वर्क करता है कैसे इसमें उसको टच कर सकते हैं क्या टच करने के लिए अपन एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ इसको टच करेंगे अपन खुद इससे मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक है तो कहने मतलब वो एक्टिव में एक्टिव कंडीशन में रहता है नेक्स्ट है इट लीड टू परमानेंट लर्निंग और डेमोस्ट्रेशन के थ्रू क्या हो सकता है स्टूडेंट को परमानेंट लर्निंग हो सकती है अभी आपको बताया लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सकता है नेक्स्ट इट क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टॉपिक एम स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट भी बनाता है टॉपिक के लिए है ना नेक्स्ट है अपन बात करें डेमोन्स्ट्रेशन की अभी अपन ने देखा एडवांटेज है ना काफी एडवांटेज है काफी इसके फायदे हैं डेमोस्ट्रेशन के ठीक है और अपन ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने को एक एडवांटेज जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब इसमें आपने देखा है कि लॉन्ग टर्म जो मेमोरी जो है उसमें जो सेव हो रहा है स्टूडेंट को जो टॉपिक है तो फिर इससे ज्यादा एडवांटेज अपने को क्या चाहिए बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज अगर अपन देखें ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इंक्लूड इन डेमोन्स्ट्रेशन ये एक डिसडवांटेज है, है ना ये कमी है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन में अपन क्या कर सकते हैं सिर्फ स्मॉल ग्रुप जो है स्टूडेंट का उसी को अपन इंक्लूड कर सकते हैं लार्ज ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें है, है ना तो ये एक डिसएडवांटेज ये एक अपनी मजबूरी है है ना कह सकते हैं अपन मजबूरी कह सकते हैं कि भी डेमोन्स्ट्रेशन में अपन सिर्फ स्मॉल ग्रुप है उसी को अपन इंक्लूड कर सकते हैं है ना अगर लार्ज ग्रुप को इंक्लूड किया तो फिर उसका नुकसान जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है जैसे नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कीप द स्टूडेंट्स इन ए पैसिव सिचुएशन मतलब जो स्टूडेंट है वो पैसिव सिचुएशन में हो सकते हैं कब इफ लार्ज ग्रुप अगर ग्रुप जो है स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो है ना या फिफ्टीन या ट्वेंटी से ज्यादा ट्वेंटी तक अपने यूज में ले सकते हैं टेन टू ट्वेंटी फिफ्टीन ठीक है ट्वेंटी से भी ज्यादा स्टूडेंट हो तो वो फिर मतलब जो पीछे वाले स्टूडेंट है मैंने देखा है इसका भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूं जैसे लैब में अपन कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं ठीक है जैसे क्लास में फोर्टी स्टूडेंट है ठीक है तो उसका भी वैसे ग्रुप बनाते हैं लेकिन कई बार स्टूडेंट साथ में आ जाते हैं हैं सबके साथ सब, ठीक है है तो जो जो आगे जो आगे स्टूडेंट होते हैं, है ना वो उनका तो टेंशन रहता है लेकिन जो पीछे वाले स्टूडेंट है जिनके हाइट कम है है ना जिनको नहीं दिखता है है ना तो वो हाँ हो सकता है अरेंजमेंट नहीं कर पाते अपन अच्छे से ठीक है तो उस कंडीशन में जो पीछे वाले स्टूडेंट है उनको दिखता नहीं है सिर्फ सुनता है है ना तो वो फिर पेशीव कंडीशन में चेंज हो जाते हैं पहले एक्टिव होते हैं वो सोचते हैं कि एक्साइटेड रहते हैं नीचे लेब में जा रहे हैं अपन वहां खुद प्रोसीजर करेंगे लेकिन जब उनको कुछ दिखता ही नहीं है तो वो फिर कंडीशन में चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है इट कैन बी कॉस्टली आई रिक्वायर कॉस्टली री मेटेरियल मतलब ये कॉस्टली भी अपन कह सकते हैं क्योंकि इसमें अपन जितने भी जो मेटेरियल यूज में ले रहे हैं इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं वो कॉस्टली है तो ये मेथड जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गया कॉस्टली है ना तो डेमोस्ट्रेशन को अपन कॉस्टली भी कह सकते हैं ये भी एक डिसएडवांटेज है ठीक है नेक्स्ट है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग मेथड और ये टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड अपन ये भी एक इसका डिसएडवांटेज अपन कह सकते हैं क्योंकि अपन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है जैसे अपन पहले अपन प्लानिंग करेंगे प्रिपेयर करेंगे उसको है ना सिलेशन प्लान तैयार करेंगे है ना उसके बाद डेमोस्ट्रेशन करेंगे ठीक है वोल्यूशन करेंगे तो कहने का मतलब इसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगता है टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी इसको अपन कह सकते हैं ठीक है तो ये हो होगी डिसएडवांटेज और ये आपका डेमोस्ट्रेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है ठीक है तो इसमें अपने डेमोस्ट्रेशन में नॉर्मली तो इसमें आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन क्या है ठीक है इसके अलावा इसके पर्पज आपको पता होना चाहिए ठीक है प्रिंसिपल या जो करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए उसके बाद स्टेप जो है वो आपको पता हो या ना हो कम से कम इसके एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये आपका जो टॉपिक है डेमोस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो गया है ठीक है और इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन सॉरी टीचिंग के जो मेथड्स जो है अपनी टीचिंग का मेथड जो है फर्स्ट लेक्चर मेथड कंप्लीट हो गया था सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन ये भी कंप्लीट हो गया है इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो डेमोस्ट्रेशन में या लेक्चर मेथड में दो मेथड हो गए अपने टीचिंग के ठीक है इसमें कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप क्लियर कर सकते हैं है ना इसमें आपको ए, मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा ए, इस बात से चलो डाउट तो होता ही है स्टूडेंट को डाउट तो हो गए लेकिन वो ये सोचते हैं कि हाँ पूछे या ना पूछे वो आप पूछ सकते हो डाउट जो वो क्लियर कर सकते हो या तो आप मेरे नंबर है ग्रुप में तो आप मेरे पर्सनली आप मैसेज करके अगर ग्रुप में आपको हेजिटेशन हो रही हो है ना तो आप पर्सनली मेरे मैसेज पे है ना मेरे नंबर जो है उस पर आप मैसेज करके किसी भी टाइप का सॉरी कैसा भी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो कोई मैटर अगर आपको पहले कुछ स्टूडेंट जो ऐसे भी हैं कि वो जो ग्रुप में अभी ऐड हुए हैं तो पहले का अगर मैटर उनके पास नहीं है तो वो भी आप मेरे पास पर्सनली मैसेज करके पहले का जो मैटर है वो आप ले सकते हो कहने का मतलब आप ये मत सोचो कि सर अपने को डांटेंगे कि पहले का मेटर अपने पास नहीं है तो अभी कैसे जागे हो आप कभी भी आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो और आप मैटर जो है अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो ठीक है थैंक यू डियर